हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या। और यहां से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन बनते ही हैं फ्रेंड्स। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अपन तक जरूर बने रहें। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला DIG हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला DIG नुपुल कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इंडियन कोस्ट गार्ड की उप महानिरीक्षक DIG के रूप में पदोन्नत होने वाली है, पहली महिला बन गई है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखें। और आप यहाँ पे नुपुर कुलश्रेष्ठ को देख पा रहे होंगे। और यदि बात करें हम कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। तो आप इतने फैक्ट याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो बिमल जुल्का है यह 10वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं फ्रेंड्स। तो आप इनको याद रखेंगे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिमल जुल्का के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो सुधीर भार्गव जो हैं यह 9वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त थे फ्रेंड्स। तो आप इनको इनका नाम भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी तरह के अगर लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं आप, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि हम बात करें कि राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो यह नृपेंद्र मिश्रा हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया है। यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह 11वें नंबर के हैं फ्रेंड्स। तो आप इन्हें याद रखेंगे। और 2 साल के लिए इनको चुना गया है और ये 2022 तक इस पद पर रहेंगे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। तो SBI का नया MD श्रीनिवास सुलू सेट्टी को नियुक्त किया गया है। यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम SBI के फुल फॉर्म की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना दिवस पूछी जाती है, तो SBI की स्थापना 1955 को हुई थी फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो फ्रेंड्स, आप इतना याद रखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और डायरेक्टर हाल ही में प्रमोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और यह 28वें नंबर के हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे। और इन्होंने अनिल झा की जगह ली है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखें आप, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आप, किसने किसकी जगह ली है। और इससे पहले यह मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव थे फ्रेंड्स। तो आप ये भी याद रखेंगे इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाल ही में नया थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नया थल सेना प्रमुख MM नरवड़े को नियुक्त किया गया है। यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवड़े। और यह 27वें नंबर के हैं फ्रेंड्स। तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे। और यदि बात करें हम के उप थल सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो हाल ही में SK सैनी हैं उप थल सेना प्रमुख बने हैं फ्रेंड्स। तो आप इनको भी याद रखेंगे साथ में।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में राजीव बंसल को किस एयरलाइन कंपनी का CMD नियुक्त किया है? तो हाल ही में राजीव बंसल को एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही में राजीव बंसल अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपर सचिव हैं, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और यदि बात करें हम एयर इंडिया की स्थापना की, तो 1932 को एयर इंडिया की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर याद रखें। और बात करें अगर हम इसकी मुख्यालय की, तो न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, CRPF के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो CRPF के नए प्रमुख आनंद प्रकाश महेश्वरी बने हैं, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं, या 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं फ्रेंड्स, तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे। और यही बात करें अगर हम CRPF के फुल फॉर्म की, तो CRPF का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें अगर हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये 11वें नंबर के हैं फ्रेंड्स, तो आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे। और बात करें अगर हम के झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, तो आप इन्हें भी याद रखें, इनका नाम ज़रूर याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में NHPC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है। तो हाल ही में अभय कुमार सिंह को NHPC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है, तो आप इन्हें याद रखेंगे, यहाँ से हमारा जो बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करें हम NHPC के फुल फॉर्म की, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और यही बात करें हम इसकी स्थापना की, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, तो आपको इतना याद रखना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है इंग्लिश में, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। और यही इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है फ्रेंड्स, तो आपको इतना याद रखना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को चुना गया है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक है जिन्हें दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, और इनको दूसरी बार यह पदभार प्राप्त हुआ है, तो राम निवास गोयल को आप याद रखेंगे, यह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं फ्रेंड्स, तो आपको इनको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी PCI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो PCI का अध्यक्ष हाल ही में दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये दीपा मलिक है, यह हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स, तो आप इन्हें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें यहाँ पे हम पूमा की, तो पूमा एक जर्मनी की कंपनी है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी फ्रेंड्स, तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार ने इनमें से किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने नया वित्त सचिव नियुक्त अजय भूषण पांडे को किया है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, तो आप इसको इनको याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में पीवी सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात आई यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। और यही बात करें अगर हम यहाँ के राज्यपाल की, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद, तो इनके बारे में आप यहाँ से इतना याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का नया चेयरमैन डॉक्टर मिहिर साय को नियुक्त किया गया है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये राष्ट्रीय जल नीति है क्या? तो राष्ट्रीय जल नीतियाँ जल संसाधनों की योजनाएं हैं, विकास तथा जल प्रबंध का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है? तो गिरीश कुमार लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको इनको याद रखना है। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर 20 है, अजीत पवार को हाल ही में किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अजीत पवार को महाराष्ट्र राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमिताभ भट्ट को किस कंपनी का CEO बनाया गया है? तो अमिताभ भट्ट को HAL कंपनी का CEO बनाया गया है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करें हम HAL के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स। तो आपको इसको याद रखना है। और यही बात करें हम इसके मुख्यालय की, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और यही बात करें अगर हम इसकी स्थापना की, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। तो आप इतना याद रखें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22 है, हितेश चंद्र अवस्थी को किस राज्य का अंतरिम पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है? तो हितेश चंद्र अवस्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का अंतरिम पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग है। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, CVIC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, जो भी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।